बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर लियाकत है, मैं बच्चों का स्पेशलिस्ट हूँ और दुनिया में तकरीबन 1.5 करोड़ के करीब बच्चे और 75 लाख के करीब जो बड़े हैं वो अस्थमा के मर्ज में मुबतला हैं। ये अस्थमा की बहुत सारी वजूहात हैं, उनमें सबसे जो बड़ी वजह है वो एलर्जी है। एलर्जी जो है वो धुएँ से हो सकती है, पोलन से हो सकती है, गरज से हो सकती है और मौसम की तब्दीली की वजह से भी हो सकती है। और अगर यही लोग इस एलर्जी से बचे रहें तो वो अस्थमा के अटैक से बचे रहेंगे, लेकिन अगर उन्हें बार बार अस्थमा का अटैक हो तो चाहिए कि वो अपने डॉक्टर से मशवरा करें और डॉक्टर के बताई हुई अदवियात पे अमल करके और उनके तरीकों से अमल करके तो अस्थमा से बचा जा सकता है। अस्थमा को अगर इलाज ना किया जाए तो इसकी बहुत सारी पेचीदगियाँ पैदा होती हैं। इन पेचीदगियों की वजह से फिर वो बच्चे जो है ना, उनकी स्कूल की परफॉर्मेंस भी बड़ी अफेक्ट होती है। खुदा हाफिज़।